हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब राम रावण के अद्भुत युद्ध के बाद बड़ी खबर के लिए चलते हैं कुमकुम के पास। बिल्कुल विकास, ये बड़ी खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के त्राल से आ रही है बड़ी खबर। पुलवामा के त्राल में जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें एक आतंकी ढेर हो गया है, दूसरे ने सरेंडर कर दिया है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। लाइव एनकाउंटर के दौरान ये चौथा सरेंडर है। इससे पहले सोपोर में दो और पुलवामा में एक और शोपिया में एक आतंकी हथियार डाल चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए सेना न सिर्फ ये संदेश दे रही है कि जो मानेगा नहीं वो गोली से बचेगा नहीं, बल्कि ये भी संदेश दे रही है कि बोली का भी एक विकल्प है। क्योंकि आप देखिए, इस तरह का ट्रेंड कश्मीर में बिल्कुल नया है कि लगातार आतंकी खुद सरेंडर कर रहे हैं। आज जो ये खबर हम बता रहे हैं जहां पर एक आतंकी जिसने सरेंडर किया है वो बेहद युवा है, बीटेक का पढ़ा लिखा छात्र है। उसे समझाया गया, मनाया गया और उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता आशिफ कुरैसी से। आशिफ, अभी इस वक्त हालात क्या है वहां पर और क्या जो सरेंडर हुआ बीटेक के इस छात्र वाले आतंकी का, परिवार वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था? बिल्कुल, देखिए जैसा कि प्रक्रिया रही है, अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में ये पांचवा मिलिटेंट है जिसने सरेंडर किया। इससे पहले पुलवामा में एक जिंदा मिलिटेंट को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया जो कि डोडा का रहने वाला था। उसके बाद शोपिया में भी एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया। अभी चार दिन पहले ही उत्तरी कश्मीर के सोपोर में दो मिलिटेंट्स को जो कि अलबदर मुजाहिदीन से जुड़े थे उनको परिवार की मदद से सरेंडर करने को कहा गया और यहाँ पर भी परिवार की काफी मदद ली गई और पुलिस का ये कहना है कि परिवार के पर्सुएशन के बाद ही मिलिटेंट ने अपने हथियार छोड़कर सरेंडर करने की। आशिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। ये बहुत अच्छी पहल जो जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद और परिवार की मदद से आगे बढ़ाई जा रही है।